दोस्तों आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ने अक्सर मुझसे पूछा है कि 30 फ्रेम्स पर सेकेंड, 60 फ्रेम्स पर सेकेंड, स्लो मोशन, फास्ट मोशन, NTSC या फिर PAL वगैरह क्या मतलब होता है। तो आज दोस्तों आप ये वीडियो देखते रहिए और मैं आपसे इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरु जी। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों आप सभी जब भी अपने फोन्स में वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं तो ऐसे में आप देखते हैं वहां पे आपको मिलता है ऑप्शन 30 FPS, 60 FPS, कुछ केसेस में स्लो मोशन, कुछ केसेस में टाइम लैप्स या फिर फास्ट मोशन। तो आखिर दोस्तों ये सब है क्या? अब देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इसको लेके मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूँ, लेकिन ये उसका थोड़ा सा एक एडवांस्ड वर्जन है। मैं आपको अगर बताऊं कि आपको कैसा लगे कि कोई भी कैमरा, फिर चाहे वो आपका DSLR हो या फिर आपका स्मार्टफोन हो, वो दोस्तों वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करता है। वो सिर्फ और सिर्फ फोटोज क्लिक कर सकता है और उसके बाद में आप उन फोटोज की मदद से ही वीडियो को बनाते हैं। दोस्तों ह्यूमन आई जो है वो बेसिकली एक सेकंड में, अगर उसको एक इमेज की सीरीज दिखाई जाए, मान लीजिए 16 से ज्यादा इमेजेस को एक साथ अगर बहुत तेजी से रोल करके दिखाया जाए, तो वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगी दो अलग अलग इमेजेस के बीच में। ऐसे में उसे ये लगेगा कि वो सामने कोई मूविंग फिल्म चल रही है। मान लीजिए जैसे मैं अभी अगर मेरा हाथ यहां से यहां तक हिलाता हूं, तो मैंने दोस्तों अगर एक फोटो क्लिक करी इस टाइम पे, एक ऐसे 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 करते करते मैंने अगर 16 फ्रेम्स क्लिक कर लिए और उनको अगर एक सेकंड में बहुत तेजी से प्ले कर दिया, तो आंख को ऐसा लगेगा कि जैसे मैंने मेरा हाथ जो है वो यहां से ऐसे यहां तक खिलाया है। और यही दोस्तों जो काम है वो आपका कैमरा करता है। अब देखिए 16 जो है दोस्तों वो एक मिनिमम नंबर है, लेकिन आप अगर ज्यादा बहुत ध्यान से देखें तो आप उसके अंदर भी पता लगा सकते हैं कि हाँ यहाँ पे कुछ तो जर्क हो रहा है। तो दोस्तों इसीलिए जो स्टैंडर्ड चूज किया गया फिल्म्स के लिए वो था 24 फ्रेम्स पर सेकंड का, यानी कि एक सेकंड में 24 फ्रेम्स कैमरा कैप्चर करेगा और वही 24 फ्रेम्स बाद में आपको दिखाए जाएंगे। वो जो पहले में जो रोल जो था वो बेसिकली जो अलग अलग वहां पे शॉट्स है वो बहुत तेजी से घूमेगा कुछ इस तरीके से कि सामने जो प्रोजेक्टर है वहां पे आपको एक सेकंड में 24 अलग अलग इमेजेस दिखाई जाएंगी, जिससे आपको ये लगेगा कि वो एक मूविंग पिक्चर है। दोस्तों इसके बाद में हम बात करते हैं NTSC और PAL की। देखिए आप सब जानते हैं दोस्तों कि इंडिया में जैसे हम यूज करते हैं, जो आपको पावर सप्लाई मिलती है वो है 220 वोल्ट्स और 50 हर्ट्ज के ऊपर। जो US वगैरह है दोस्तों, वहां पे जो पावर सप्लाई आती है वो आती है 110 वोल्ट लेकिन 60 हर्ट्ज पे। तो ऐसे में दोस्तों हमारे जो कैमरा सिस्टम्स हैं उनको हमें इस तरीके से बिहेव करवाना था कि वो जो सामने लाइट्स लगती हैं, मान लीजिए शूटिंग के अंदर आप चाहे LEDs को यूज करें, चाहे आप टंगस्टन लाइट्स को यूज करें, चाहे आप CFL को यूज करें, क्योंकि दोस्तों वो उसी पावर सप्लाई पे काम कर रही है तो वो एक सेकंड में उतनी ही बार फ्लिकर करेंगी। तो ऐसे में अगर आपका कैमरा उसके साथ में सिंक में है तो ही दोस्तों वो ठीक तरीके से वीडियो को रिकॉर्ड करेगा, और उसके बाद में प्लेबैक के टाइम पे भी अगर फ्रेम रेट सही है तो आपको बिना किसी उस फ्लिकरिंग इशू के वीडियो देखने को मिल जाएगी। दोस्तों इसीलिए इंडिया वगैरह है या यूरोप वगैरह में हम यूज करते हैं PAL सिस्टम को, और यहां पे हम काम में लेते हैं 25 फ्रेम्स पर सेकंड का, और US वगैरह में दोस्तों हम काम में लेते हैं NTSC का, और वहां पे हम काम में लेते हैं 30 फ्रेम्स पर सेकंड का। तो ये दोस्तों बिल्कुल क्लियर फंडा है PAL और NTSC का। अब इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करता हूं, मान लीजिए 30 फ्रेम्स पर सेकंड आपने कोई वीडियो रिकॉर्ड किया या मान लीजिए आपने 60 फ्रेम्स पर सेकंड वीडियो रिकॉर्ड किया, तो यहां पे दोस्तों एक बात तो क्लियर है कि आप जितने ज्यादा फ्रेम्स कैप्चर करेंगे और जितना ज्यादा आप उन फ्रेम्स को प्ले करेंगे तो उतना ही आपको स्मूथ फुटेज देखने को मिल जाएगा। मान लीजिए कि आप एक सेकंड लगता है मुझे मेरा हाथ यहां से यहां लेके जाने में, अब उस एक सेकंड के दौरान अगर आप 30 फोटोज क्लिक करते हैं तो आप 30 FPS पे वीडियो को प्ले करते हैं तो आपको मान लीजिए मोमेंट ऐसा लगता है। अगर दोस्तों वही आप उसी एक सेकंड में 60 बार फोटोज को क्लिक कर लें तो जो मोशन है मेरे हाथ का वो आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा, बिल्कुल एकदम फाइन मिलेगा, तो उसको हम कहते हैं स्मूथ मोशन। लेकिन दोस्तों यहां पे एक और चीज निकल के आती है, इसको हम कहते हैं स्लो मोशन। और स्लो मोशन में हम क्या करते हैं कि हम बहुत ज्यादा फ्रेम्स कैप्चर करते हैं, लेकिन बाद में जब प्लेबैक करते हैं तो वहां पे दोस्तों हम उन फ्रेम्स की स्पीड को कम कर देते हैं वापस से 30 FPS या फिर 25 FPS पे। तो इसका मतलब यह है कि मान लीजिए अगर आपके कैमरा में 120 FPS का ऑप्शन है तो ऐसे में आप करीब करीब 4 गुना स्लो डाउन कर रहे हैं, क्योंकि आपने कैप्चर तो कर लिया 120 फ्रेम्स एक ही सेकंड में, लेकिन बाद में जब आप प्ले करते हैं अगर 30 FPS पे तो यहां पे आपको लगेंगे 4 सेकंड उन 120 फ्रेम्स को प्ले करने के लिए। तो आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल हाथ जो है वो ऐसे स्लो मूव कर रहा है। सेम तरीका है दोस्तों 240 FPS यानी कि 8 गुना स्लो। तो यहां पे मुझे उम्मीद है कि यह बात आपको समझ में आ गई होगी। और यहां पे दोस्तों इसके अलावा अगर आपसे बात करता हूं मान लीजिए टाइम लैप्स की, तो टाइम लैप्स में हम क्या करते हैं कि हम एक फ्रेम
बहुत बहुत टाइम के बाद कैप्चर करते हैं। मान लीजिए हर 2 सेकंड में हम एक फ्रेम कैप्चर कर रहे हैं, तो ऐसे में करीब 1 मिनट पूरा लग जाएगा आपकी 1 सेकंड की फुटेज के लायक फ्रेम्स कैप्चर करने के लिए। तो आप सुबह से लेकर शाम तक जो कंप्लीट क्लाउड्स का मूवमेंट है, जो हवा चल रही है, जो आपके पेड़ वगैरह हिल रहे हैं, उनको सुबह से लेकर रात तक रिकॉर्ड कीजिए, बहुत ही लंबे समय तक रिकॉर्ड कीजिए, और बाद में कुछ 10-15-20 सेकंड के क्लिप में उन दिन भर का जो उनका मोशन है वो आप दिखा सकते हो, और आपको ऐसा लगता है कि जो टाइम है वो बहुत ही तेजी से गुजर रहा है। दोस्तों इसके अलावा जो एनिमेशन वगैरह हैं वो भी इसी टेक्निक पे काम करते हैं, क्योंकि आपने जो स्केचेस बनाए होते हैं तो वो इस तरीके से बनाए होते हैं कि वो अलग अलग फ्रेम्स होते हैं, लेकिन जब आप प्ले करते हैं तो वो बहुत ही तेजी से प्ले कर देते हैं, इसीलिए आपको लगता है कि वही जो मिकी माउस है वो दौड़ रहा है और पीछे डोनाल्ड डक भी जो है वो आ रहा है, क्योंकि वहां पे जो उनका मूवमेंट है वो इतना तेजी से होता है कि आपकी जो आंखें हैं वो ये, आपका बेसिकली दिमाग है वो ये पता नहीं लगा पाता कि ये 2 अलग अलग इमेजेस हैं और ऐसे में ये एक मूविंग वीडियो नहीं है। इसके अलावा दोस्तों चाहे स्टॉप मोशन टेक्निक्स हो, चाहे कोई और वीडियो की टेक्निक्स हो, सभी के सभी इसी पे काम करती है कि आपने पहले स्टिल फ्रेम्स को इकट्ठा किया और बाद में इतनी तेजी से आपने प्ले कर दिया कि आपको पता नहीं लग पाएगा कि वो फोटो है या वीडियो। अब दोस्तों यहां पे जो अपने स्मार्टफोन्स हैं उनकी भी एक लिमिट होती है, जो उनका हार्डवेयर है, जो इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम्स वहां पे लगे हैं, जो ISPs हैं, जो DSPs वगैरह हैं, कि वो दोस्तों किस तरीके से उन इमेजेस को प्रोसेस करती हैं, कितना फास्ट प्रोसेस करती हैं, और इसीलिए प्रोसेसर पे डिपेंड करता है, GPU पे डिपेंड करता है कि वो दोस्तों जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो कितने फ्रेम्स पर सेकंड पे पॉसिबल है, 4K में कितने फ्रेम्स होंगे, फुल HD में कितने फ्रेम्स होंगे, स्लो मोशन होगा या नहीं होगा, जो कैमरा का सेंसर है वो कितना फास्ट है। तो यही दोस्तों कुछ हार्डवेयर लिमिटेशंस हैं जो आपको बताएंगे कि एक फोन पर्टिकुलर कितने फ्रेम्स पर सेकंड पे वीडियो क्लिक कर सकता है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर से लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।